हेलो, मैं हूँ आपका दोस्त हीरा योगी। पहचान तो गए होंगे, जान तो गए होंगे। कैसे हो आप उसको दोस्तों? आज मैं आपके पास फिर आया हूँ दोबारा से। पहचानिए मेरे साथ आज कौन गेस्ट होने आने वाला है। कम ऑन नाउ, आवर गेस्ट इज कमिंग, भारती। धन्यवाद। आज हम बनाने जा रहे हैं विदेश में नौकरी का पार्ट टू। मूवी देखते ना, सस्पेंस होता है। पार्ट टू देखो, पार्ट टू बनाने का मेन पर्पज है हमारा, बता दूं आपको, पर्पज है मेन हमारा एक, आप लोग सही सलामत पहुंच जाए विदेश और कमाए बहुत सारा पैसा और बढ़ाए देश की ज्वेलरी, देश का भंडार डॉलर से। सो आपको बस हम अपनी बात करने वाले हैं भारती जी से। जो प्रॉब्लम आई थी मेरे पास, पहला भारती मैम कहते हैं खाने पीने की प्रॉब्लम होती है चाइना के अंदर में, तो क्या ऐसा है कि आप कुछ आसाम आप खाते हो क्या वहाँ पर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एक्चुअली प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो आपको खाना मिल जाता है वेजिटेरियन? खाना मिल नहीं जाता, मैं खुद बनाती हूँ। तो दोस्तों आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, वहाँ पे सुपर मार्केट्स होती हैं, लोकल मार्केट होते हैं। सब्जी खरीदिए, मसाले यहाँ से ले जाइए, बनाइए और शाकाहारी भोजन अपने घर पर खाइए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कितने घंटे काम करना होता है इंस्टीट्यूट के अंदर में? देखिए, आपकी अलग अलग कंपनी अलग अलग टाइमिंग अलग अलग क्लासेस डिसाइड करती हैं। इसके बारे में मैं आपको भी बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज कुछ लोगों की होती है कि आप मंथ में 60 क्लासेस देंगे, कुछ की होती है 65 देंगे, कुछ 70। तो अकॉर्डिंग टू योर क्लासेस आपकी टाइमिंग डिसाइड होती है। तो आपको समझ आ गया क्या बोला? अरे भाइयों, टेंशन मतलब इंडिया से कम काम करना पड़ेगा चाइना के अंदर में, मतलब दिन के 4 घंटे, महीने के अंदर में 60 घंटे से लेके 80 घंटे काम करना होगा। तो आपको समझ आ गया कि चाइना में कितना काम आपको करना है। क्लासेस वहाँ होते हैं प्रॉपर अष्टांगा, आपकी बॉडी होनी चाहिए मोर फ्लेक्सिबल, मोर डिसेंट, और प्लीज अयंगर आना चाहिए। एक और बात, चाइनीज लड़कियों से सावधान, एम आई राइट? जो लड़के यहाँ से जाते हैं ना, वो बिगड़ जाते हैं चाइना में जाके, होते हैं बहुत अच्छे शाकाहारी, वहाँ बन जाते हैं मांसाहारी। This is another way. You understand what I am saying? भारती में भी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और आ रहा है बच्चों का कि हम 200 आवर का TTC कहाँ से करें? 200 आवर का आप लोग ऋषिकेश से कर सकते हैं, दिल्ली से कर सकते हैं। ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, तपोवन, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत अच्छे हैं, और आप लोग वहाँ से करके विदेश में जॉब भी कर सकते हैं और अच्छे से सीख भी सकते हैं, अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो 1 मंथ का TTC आप करके अपना करियर बना सकते हैं। तो समझ रहे हैं दोस्तों, TTC अच्छा कोर्स है। 200 घंटे में आप यानी 22 दिन के आसपास बनता है, आप उसमें बन सकते हैं अच्छे टीचर। बट देखो, MA इन योगा, BSc इन योगा, PhD इन योगा, उनकी वैल्यू अलग है, बट ये आसनों के लिए है TTC, एम आई राइट? तो TTC की अपनी वैल्यू है, नंबर वन पे है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बट जो आप ग्रेजुएट हैं योगा से तो उनकी तो स्पेशल वैल्यू है ही है। तो आप ऋषिकेश से जो भी अप्रूव सेंटर है वहाँ से कर ले। इंडियंस के लिए 55,000 तक की फीस में काम हो जाता है, फॉरनर्स के लिए 1,95,000 रुपये फीस लगती है, जिसमें रहना खाना पीना सब फ्री होता है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन होती है। मैम एक और आया लोगों को कि हम एकदम हमें वीज़ा कैसे मिल जाएगा, एकदम हम कैसे चले जाएंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन, वो अटपटे से क्वेश्चन है, मैं जा सकता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मतलब देखिए जैसे अभी भी हम दोनों ने पहले भी वीडियो बनाई थी, तो लोगों ने हम पे गलत सवाल उठाए कि हमने यही बोला कि केवल वर्किंग वीजा पे काम कीजिए। आप लोगों ने ही हमसे पूछा था कि कौन सा वीजा सही होता है। हमने आपको सिर्फ सही रास्ता बताया कि हम आपको एक सही रास्ता बताने के लिए आए हैं। मेरे भारत का हर बच्चा विदेश जाए, मैं चाहता हूँ यही, आप अच्छी नौकरी करें, अच्छी सैलरी पाए, आपका परिवार अच्छे से चले। मेन पर्पज तो यही है कि पैसे कमा के आपको अपने परिवार को अच्छा चलाना है, उनका खान पान, उनका लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग आप चाहते हो। तो मैं आपको सिर्फ राइट बात बता सकता हूँ, कोई गलत बात नहीं बताऊँगा। आपको वर्क परमिट ही होना चाहिए अगर काम कर रहे हो, अगर आप बिजनेस वीजा पे काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट वीजा पे काम कर रहे हो, और एनीथिंग एल्स। अगर आप बिजनेस वीजा और टूरिस्ट वीजा पे कर रहे हो तो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में, हम ये नहीं बोल रहे कि आप ना करो उस वीजा पे। आप रिस्क लेके काम कर रहे हो, पुलिस आपको कभी भी पकड़ लेगी, टू 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 टू, और आप जेल में चले जाओगे, बचना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, मैं एक क्वेश्चन और आया था सर, मुझे इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती, तो मैं चाइनीज कैसे पढ़ाऊंगा, चाइनीज में कैसे क्लास लूंगा, राइट? ये भी क्वेश्चन था ना आप लोगों का। इंग्लिश एक्चुअली
आप लोग क्लास ले सकते हैं, धीरे धीरे आप लोग चाइनीज खुद सीख जाएंगे। जो जैसे इन्होंने मुझे, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे इन्होंने मुझे कहा चाइनीज शीशी, व्हाट इज दैट मीन मैम? थैंक्स शीशी। तो आप लोगों का थैंक्स है ना शीशी, तो आप ये आदत डाली। जैसे बचपन में कहते शीशी, वो वाला शीशी नहीं जो टॉयलेट में करते हैं, मम्मी बोलती तो यहाँ पे चाइनीज है। और मैम जैसे चाइनीज बोलते हैं हाउ आर यू, नी हाउ मा, देखो कैसा लग रहा है, नी हाउ मा, वेरी सिंपल चाइनीज, नॉट डिफिकल्ट, ओनली इनहेल एक्सहेल लेग अप लेग राइज। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। जैसे अभी मैं कॉफी शॉप में बैठा हुआ हूँ, बड़ी अच्छी चाय मिलती है, मायापुरी में है ये, तो साहब यहाँ पे इन्होंने लिखा था मोचा कोल्ड कॉफी, मुझे पता ही ना मोचा का मतलब क्या होता है, इन्होंने बोला भैया चॉकलेट ज्यादा मिला देता है मोचा हो जाता है। सो इट मीन्स हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता होता है, तो आप लोग ऐसा घबराएं मत, आप उनसे पूछ सकते हो, बता देंगे, ठीक है। और प्लीज आपके लिए छोटी सी प्रिकॉशंस है, आप कहीं भी जा रहे हैं तो अपनी प्रोटेक्शन आपके हाथ में है, ये लड़कों के लिए स्पेशल है, वहाँ की रंग बिरंगी दुनिया में अपने आप को मत खोए, खो जाएंगे तो ड्रग्स एडिक्टेड, वाइन से एडिक्टेड, मतलब ड्रिंक से एडिक्टेड हो जाएंगे और आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। सो आई रियली सजेस्ट मैम, ऐसा आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत लड़के कर रहे हैं, सो आप ऐसा कोई कार्य मत करें। और भी आपका कोई क्वेश्चन बचा, वैसे भी कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा, बट अगर आप बचाओ तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और मेरा चैनल हीरा योगी है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और आप जिस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हेल्प कर देंगे। और भारती मैम तो चली जाएंगी आपके साथ, हाँ आपके साथ, मेरे साथ तो नहीं है तो ठीक है, ये इनसे सजेशन लेनी इनसे ले लेना, मुझसे सजेशन लेनी है मुझसे ले लेना। और बहुत लोग इनकी मेल आईडी मांग रहे थे, सुन लीजिए, भारती BHARTIYOG@gmail.com, इस मेल आईडी पे आप अपने क्वेश्चन करें, अपनी कोई भी क्वेरी हो वर्किंग वीजा से रिलेटेड, टूरिस्ट वीजा से XYZ, कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा सिटी अच्छी है, कौन सा सेंटर अच्छा है, XYZ मैम आप बता दोगी? हाँ जी, हाँ जी। ये आपको बता देंगे, थोड़ी बिजी रहती है, बड़ी मुश्किल से तो मिलती है। तो वीडियो को देता हूँ मैं यही विराम, और वेट करूंगा अगली वीडियो बनाने के लिए जब आप मुझे बताएंगे। धन्यवाद, नमस्ते, आप सबका दिन शुभ रहे, मंगलकारी रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे। हीरा योगी तो चाहता ही है ना मुस्कुराएं, आनंद में रहें और वर्तमान में रहें। थैंक यू सो मच।